काइनेटिक एनर्जी, पहले एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, यू नो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम कोई वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मास, थोड़ा नीचे कर लो पर डाउन। सो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वेदर वी कैन डू द वर्क और नॉट, दैट इज एनर्जी। हम वो काम कर सकते हैं कि बीच में छोड़ देंगे उसको, दैट इज योर एनर्जी, वेदर यू हैव और नॉट। यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जाउल, तो इसके यूनिट बिल्कुल सेम है, जाउल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, कितनी सारी एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जितने भी नाम आते हैं आपको। तो सोलर, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम मेनली अब आ जाते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पे, क्योंकि उनका डिटेल रिक्वायर्ड है। लेट अस बिफोर दैट डिफाइन सम इम्पॉर्टेंट एनर्जीज ऑल्सो, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो मस्कुलर एनर्जी, व्हाट इज मस्कुलर एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स ड्यू टू द फूड दैट वी ईट, एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल ड्यू टू द फूड वी ईट, ड्यू टू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। आप ऐसे भी कह सकते हो, जो फूड हम खाते हैं उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी पोजेस मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी पोजेस्ड बाय, एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स ड्यू टू द फूड वी ईट या ड्यू टू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। सेकेंड है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज द एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, हीट एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। और लाइट एनर्जी जो है दैट इज ओबेइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है, दैट इज लाइट इज शोइंग मेनी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। हीट जो है दैट इज एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ ड्यू टू कोलिजंस अमंग इट्स मॉलिक्यूल। हीट क्यों होती है एक बॉडी में, उसका टेम्परेचर क्यों रेज होता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोलिजंस अमंग द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट ऑब्जेक्ट। साउंड एनर्जी, द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एनी बॉडी। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड इट, due to chemical stored in it, energy possessed by an object due to chemical reactions taking place inside, energy stored in any object due to chemical reactions taking place inside, yeah, due to chemicals stored inside it, due to the chemicals stored inside it. ठीक है, केमिकल्स में केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, इन दोनों प्रोसेसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन स्मॉल न्यूक्लियाई जॉइन टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियस और बिग न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, दीज प्रोसेसेस आर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। So energy released during fission and fusion, that is called nuclear energy. A lot of energy is released, you know that. Okay? Then kinetic energy, energy possessed by an object by virtue of its motion.
जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी, ये फैन मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। रनिंग बॉय हैज काइनेटिक एनर्जी, मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रनिंग बॉय, मूविंग कार, फ्लोइंग वॉटर, ब्लोइंग विंड, कुछ भी लिख सकते। और विंड में इतनी सारी एनर्जी है दैट यू कैन सी ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है जो स्टॉर्म्स के ड्यूरिंग इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, इतने जो बिग ट्रीज को अपरूट कर देती है, जो रूफ्स ऑफ हाउसेस आर ब्लोन ऑफ, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन साइड विंड। और हाइड्रो एनर्जी जो है वाटर की, फ्लोइंग वाटर की एनर्जी, वो भी एक्चुअली काइनेटिक ही है, और जिसका इफेक्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग फ्लड्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल लिख लिए, रनिंग बॉय, मूविंग कार, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड एटसेट्रा, कोई भी चीज जो मूव कर रही है आप एग्जांपल दे सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन और शेप। एनर्जी stored in an object due to change in position or shape. अभी roughly definition कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं पूरी इसकी। And there are two types of energy further, potential energy further, gravitational potential energy and elastic potential energy. ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पहला पार्ट था, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन। अगर हम ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सर्टन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट विल हैव व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? ग्रेविटेशनल potential energy. Very simple, a stone lying on the roof of a house, a book lying on a table, theek hai, they all have potential, gravitational potential energy. So definition likh lo pehle, gravitational potential energy, it is the energy possessed by an object due to change in position. So if an object has certain height from the ground, it will store gravitational potential energy in it. तो अगर हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट, उसका मतलब उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो रेस्ट पे है। बट इफ इट इज एट सर्टेन हाइट, दैट मींस इट इज स्टोरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन इट। एग्जांपल, अ स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स एट अ हाइट। डैम्स जो है हाइट पे होते हैं, और उनमें जो वाटर स्टोर्ड है, ऑटोमेटिकली उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Water stored in dams at a height. Energy possessed by an object due to change in position from the ground. Due to change in its position. फिर आओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो दूसरा पार्ट था, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन शेप। Energy possessed by an object due to change in its shape, that is called elastic potential energy. Example, a stretched rubber band. एक रबर बैंड को हमने स्ट्रेच कर दिया, ऐसे पड़ा हुआ था तो उसमें कुछ नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। अब अगर हमने रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, आप छोड़ते तो आपके हाथ पे चोट लग जाती है, उसमें एनर्जी आ गई, उसको स्ट्रेच करने से एनर्जी आ गई उसकी। ठीक है, अ स्ट्रेच्ड बो, तीर कमान होता है जो स्ट्रेच्ड बो, ऐसे पड़ा तो उसमें कुछ एनर्जी नहीं है, बट वेन यू स्ट्रेच इट, इट रिलीजेस द एरो अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो एरो जाएगा। सो अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, उसकी शेप को चेंज कर दो, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो भी दूर तक जाएगा।
क्योंकि उसमें अब एनर्जी आ गई बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप. गॉट इट? तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की टू टाइप्स हैं. एंड सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. सो नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. तो कई बार हम अकेली काइनेटिक को भी मैकेनिकली बोल देते हैं, अकेली पोटेंशियल को भी मैकेनिकली बोल देते हैं, बिकॉज दे आर द फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. सो कमिंग टू काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन नाउ, वी विल डू इट बाय टू मेथड्स, एक सिंपल मेथड, एक कैलकुलस मेथड. ठीक है. वो उसके बाद पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. यू नो द फॉर्मूला, प्रूफ नाइन्थ में किया हुआ है आपने. तो पहले सिंपल मेथड वही नाइन्थ वाला ये आपका. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लाइंग एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ टेबल. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लाइंग एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ टेबल. This is the situation, friction is absent. Now force is applied on the object. It displaces the object through displacement S. And the object starts moving with a velocity V under the action of that force. Usme kuch acceleration aa jayegi and its velocity will change. And suppose the final velocity with which it is moving is V now. Theek hai? So by definition of force, by definition of work, work is force into displacement because displacement is taking place in the direction of force. Usi direction mein ja rahi hai. So simply Fs ho gaya. By Newton's second law, put F is equal to ma here. We get W is equal to mas. This is equation number 1. From Newton's second law, we have F is equal to ma. Put in that equation. Right? Now using third equation of motion, V square minus U square equal to 2as. U zero hai yahan pe. तो यहां से ए एस क्या आ गया आपका, वी स्क्वायर अपॉन टू. वी स्क्वायर माइनस जीरो इज वी स्क्वायर इक्वल टू ए एस, टू ए एस. तो ए एस कितना आ गया यहां से, वी स्क्वायर बाय टू. इज दिस स्टेप क्लियर? सो पुट दिस ए एस हियर इन इक्वेशन नंबर 1. ए एस को पुट कर दो वी स्क्वायर बाय टू इन इक्वेशन नंबर 1. So we get half mv square, and always when we calculate some energy, we will calculate in the form of work. Since this work has been done to move the object, it is stored in the form of kinetic energy. Okay? Since this work has been done to move the object, this work is stored in the form of kinetic energy. It will appear then in the form of kinetic energy. So this is the derivation of काइनेटिक एनर्जी बाय सिंपल मेथड. ये आपने नाइन्थ में भी किया हुआ है. कर लिया? इज दैट ओके? कोई डाउट? यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगी. अगर यू जीरो नहीं है बस, तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगी. So what is work energy theorem? Whenever work is done, whenever force acts on an object, work is done, and work done is equal to change in kinetic energy. ठीक है? ये हमारी statement होगी. लिखो statement पहले. Statement of work energy theorem. When force acts on an object, work is done.
and work done is equal to and work done is equal to the change in kinetic energy of the object. Work done is equal to change in kinetic energy of the object. ठीक है, तो assume कर लेते हैं कि पहले से object move कर रही थी किसी velocity से, एक ball पहले से move कर रही थी, हमने उसको एक और jerk लगाया, वो अब थोड़ा fast हो गई, उसकी velocity change हो गई. ठीक है, तो पहले भी वो मूव कर रही थी, बाद में अब उसकी स्पीड चेंज हो गई है बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. तो बस हम यू को जीरो नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, ये ए एस निकाल लेंगे यहीं से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय, सो वी विल पुट दिस हियर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय, दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. ये तो फॉर्मूला हो गया, सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. इसको भी प्रूव करते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ शुरू यहां से हुआ है और कहां से हुआ है, शुरू शुरू से हुआ है, ये है ना शुरू, तो शुरू शुरू से ही होता है, वही मैं कहना चाहती हूँ. ये देखो मेरा मतलब ये है कि बस U को आपने जीरो नहीं पुट करना है, इतना तो नाइन्थ में भी समझ गए थे आप, जो प्लस वन में नहीं समझ रहे हो, ये चीज तो नाइन्थ में कर ली थी, अब क्वेश्चन पूछ रहे हो जाके, ये तब पूछना चाहिए था, सब पूछते तो अच्छा भी लगता, अब नहीं अच्छा लगेगा. सिर्फ वहां चेंज किया है, बाकी शुरू यहीं से ही है, डेफिनेशन ऑफ वर्क से, सिर्फ यू जीरो नहीं पुट किया तो आपका ये फॉर्मूला आ गया बस. फिर हमारा ये जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रिजल्ट बिना मतलब के, ये स्मूथ टेबल के लिए, स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंपल फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें सिंपल चीजें ही लेते हैं. ठीक है, क्लियर है, पहले सिंपल मेथड देख लो, काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरी, सिंपल मेथड है ये. फिर हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, सेम तो आप नीचे भी गिराएंगे. आप हेडिंग दे दो कैलकुलस मेथड, हेडिंग देने को कहा है, जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने कर लिया वो हेडिंग लिख सकते हैं, एक वर्ड लिख सकते हैं. आप आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, यहाँ देखो इतनी सीट्स खाली हैं, नहीं उतनी नहीं रहती, इट मैटर्स अ लॉट. आपको देखो इतना मुश्किल से देखना पड़ रहा है, उसमें आधा टाइम वेस्ट हो रहा है और उसकी वजह से क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है. आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, है क्यों नहीं है उनको, आओ इधर, आओ इधर, आ जाओ, नहीं यहाँ फैन है, आ जाओ. ये देखो इधर इधर हो गया, आप ऐसे ढूंढ रहे हो, ऐसे और टाइम लगेगा, अब कॉपी नहीं स्टेबल होगी आपकी. ये देखो सबने लिख लिया, तुम ही रह गए. चलो के बाद रखते हैं यार, मुझे पता है तुम किसी लिए आए. चलो अब कैलकुलस मेथड देखो, अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं सपोज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, then how much small amount of work will be done, force into displacement, small liye humne to dx. again Newton's second law to put kar hi rahe hain, put f is equal to ma, theek hai, put f is equal to ma here. ab acceleration kya hoti hai, yahan humne put kiya f is equal to ma,
और एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी। तो ये बन गया आपका, हम कैलकुलस मेथड यूज कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स वी विल राइट। तो ये हो गया आपका ए को पुट किया डीवी बाय डीटी। इज दिस स्टेप क्लियर? नाउ राइटिंग डीटी अंडर डीएक्स, राइटिंग डीटी अंडर डीएक्स, डीवी यहीं पे रहा, यहां इसको लिख दिया डीटी को। हाँ, अब डीएक्स बाय डीटी क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वी इज डीएक्स बाय डीटी, योर डीडब्ल्यू बिकम्स एम वी डीवी, वो वाला वी हमने इधर लिख दी एम वी डीवी। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन। यहां तक देखो पहले, इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट द टोटल वर्क डन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और आपकी वेलोसिटी के लिमिट्स पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही हमने ली है, फिर ये किसी वेलोसिटी से मूव करती है वी से, तो लिमिट्स होंगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के केस में जीरो टू वी, लिमिट्स विल बी फ्रॉम जीरो टू वी। करो इंटेग्रेट, इधर इंटेग्रल डी डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया, एम ऐसे ही है, व्हाट इज इंटेग्रल वी वन डी वी, वी वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन, वी स्क्वायर बाय टू विद इन द लिमिट जीरो टू वी। लिमिट पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वी ही है उसमें और दूसरी लिमिट जीरो ही है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट इन कर दो। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, वो वही आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी आर गेटिंग नाउ बाय कैलकुलस मेथड, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी, 10 मिनट बाद बोलने से बेटर है पहले ही बोल दो। बढ़ गई? तुम रोज क्लास में आते, मैंने तुम्हारी स्पीड और बढ़ा देनी थी पहले। चलो ये हो गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में बस लिमिट्स चेंज करनी है, बिकॉज हमारी लिमिट्स होंगी, अब शुरू यहां से हो रहा है हा? और सिर्फ यू से भी यहां चेंज आएगा, ऑफ कोर्स यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है कैलकुलस मेथड, बस लिमिट यहाँ पे चेंज होगी जीरो से वी नहीं यू से वी, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और उसको हम वर्क ही रहने देंगे। तो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है जी, कोई रहा तो नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी, आफ्टर दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हमने कर ली है दोनों टाइप्स,
Now formula we have to derive. Again we have to calculate some work. Suppose we have an object of mass m lying at certain height from the ground. This is ground. और एक ऑब्जेक्ट पड़ी है एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. यहां पड़ी है, सपोज बुक पड़ी है टेबल पे. ठीक है, सपोज बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. अब आप उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, आप उस बुक को ग्राउंड पे रखना चाहते हो. सो यू हैव टू लिफ्ट द बुक अप. कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट इक्वल टू इट्स वेट. जितना बुक का वेट है कम से कम उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, और फिर आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग इन दिस केस इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्टिंग इन दिस केस इज वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और डिस्टेंस कवर्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है. डिस्टेंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही कवर हो रहा है ना. फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है और बुक जा भी उधर ही रही है. सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 degree. हाउ मच इज द वर्क डन, एफ एस कॉस 0. कॉस 0 इज 1. एफ को पुट करो एम जी, एस को पुट करो एच, एंड कॉस 0 इज 1. सो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोजिशन की बात कर रहे हैं हम, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द फॉर्मूला इज एम जी एच. ठीक है, दो स्टेप्स का प्रूफ है बस इसका. राइट, अब प्लस वन में हो ना, नाइन्थ में नहीं करवाया गया था आपको. प्लस वन में ले लो एंगल, थोड़ा बताओ कि आपको पता है उसका. देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं. एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन शेप, तो अब शेप में चेंज लेना पड़ेगा. तो लेट अस टेक अ स्प्रिंग. स्प्रिंग इज लाइंग ऑन अ टेबल. राइट नाउ डिस्प्लेसमेंट इज 0. अब हमने एक फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड. ये फोर्स लगाया हमने टू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स. अब जो स्प्रिंग है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया through a displacement x. ये applied force है F A बोल दो इसको. In answer to this, अब जब spring उधर छोड़ देंगे हम, तो why does it come back? Because of restoring force. So restoring force acts in a direction opposite to the displacement. Displacement उधर हो रही है, x हमारा उधर है, पर restoring force इस side पे. According to Hooke's law, restoring force is directly proportional to the displacement. जितना मतलब extension हम ज्यादा करते जाएंगे, restoring force भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा. And removing the sign of proportionality, we introduce minus kx. Minus sign shows कि x और f opposite directions में. Restoring force is acting opposite to the direction of displacement. It tries to restore the position, original position of spring. हमने उसको displace कर दिया तो इसको वापस लेके आए. और K क्या है यहाँ पे? Force constant, stiffness constant और spring constant. ये इसके हमने dimension भी दी हुई. तो ये आपका Hooke's formula हो गया. अब हमने निकालना है small amount of work done by applied force. तो उसमें हम plus sign लेंगे. Small amount of work done by applied force will be FDX. So, agar hamara restoring force negative tha, to applied force must be positive. Put it here. KX DX. Here, step clear aapko?
ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट द वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जीरो से एक्स है आपकी एक्सटेंशन और वर्क डन आपका आ गया के एक्स स्क्वायर बाय टू। वो लिमिट पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सो लर्न द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है हाफ के एक्स स्क्वायर। माइंड इट के क्या है यहाँ पे, फोर्स कॉन्स्टेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला हुक्स का मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने स्प्रिंग बैलेंस की वर्किंग की थी यूनिट वन में। तो ये वही हुक्स लॉ है, बस उसी को यूज करके हमने वर्क डन निकाल लिया, वही स्टेप्स हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लर्न कर, ठीक है। ग्राफ से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर आपके पास ये एक्स और एफ में ग्राफ है आप वहां से भी कर सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है एफ एक्स ग्राफ के अंडर एरिया हमें वर्क देता है, तो इस केस में जो वर्क है आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लो एक बारी, क्लियर। जो रबर बैंड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो टेबल पे बुक पड़ी है उसको हमने डिस्प्लेस किया, या वो बुक पड़ी है पोजीशन वो ग्राउंड पे नहीं है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो पोजीशन की वजह से है वो ग्रेविटेशनल है, जो शेप में चेंज की वजह से है वो इलास्टिक, ठीक है, क्लियर।